आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से दूसरा काव्य साहित्य मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा जी की यह कविता है। आज आप इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। अपने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत का अध्ययन किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने संस्कृत विषय लेकर एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और प्रयोग विश्वविद्यालय महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में आपकी नियुक्ति भी हुई है। आप हिंदी के छायावादी एवं रहस्यवादी कवियों में से एक हैं। आपके काव्य में मीरा की तरह वेदनानुभूति एवं समर्पण भावना व्याप्त है, जिसके कारण आपको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। यामा पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने भी आपको पद्म भूषण में नवाजा है। प्रकाशित काव्य कृतियों में मीरा हो, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा एवं यामा तथा गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पद के साथी, अतीत के चलचित्र आदि प्रमुख हैं। प्रास्तविक मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवयित्री ने अपने लिए दुख की बदली कहा है। विस्तृत नब में बदली का उमड़ा और मिट जाना कम महत्वपूर्ण नहीं है। कवयित्री बदली में और अपने जीवन में समर्पण का समान सूत्र पाती है। महादेवी वर्मा पर बुद्धि की करुणा और दुखवाद विवेकानंद और रामतीर्थ आदि के विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय दर्शन के इसी प्रभाव के कारण इनके काव्य में अध्यात्म के परमत्व, आत्मतत्व और प्रकृति तत्व की प्रधानता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इसके मूल में वेदना तत्व साफ दिखाई देते हैं। स्वयं अपने विषय में भी सांध्य गीत में महादेवी कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी ने के अनुसार दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा एक काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखता है। मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय है। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एवं अविच्छिन्न बंधन में बांध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। महादेवी के काव्य में वेदना, करुणा और दुख की अभिव्यक्ति अत्यंत सघन रूप में हुई है, जिसे आलोचकों ने वेदना भाव, करुणा भाव या दुखवाद की संज्ञा दी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तरपूर्ण लिखना है। पहला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपना परिचय किस तरह दिया है। महादेवी वर्मा ने काव्य का मूल भाव है वेदना। यह वेदना किसी व्यक्तिगत अभाव के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने जब अपनी वेदना की प्रकृति के माध्यम से व्यक्त की है, तब उसके छायावादी काव्य का रूप धारण कर दिया है और जब उसे अध्यात्म के रूप में व्यक्त किया है, तब रहस्यवाद का रूप धारण कर लिया है। यही महादेवी वर्मा अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहती है, जिसके स्पंदन से निस्पंदन बसा है, अर्थात निरवता बसी है और उसके क्रंदन अर्थात उसके रुदन में दुखी होकर सारा संसार हंसने लगा। उसकी आंखों में दीपक से जल उठे हैं और उसकी पलकों में मानो निर्झरनी बहने की मचलती रहती है, अर्थात उसके जीवन में वेदना ही वेदना व्याप्त है। दूसरा, कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने पर्वों की क्या विशेषताएं बताई हैं। पग मतलब कदम। कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने पग पग को यानी कदमों को संगीत से भरा बताया है, अर्थात
जब जब भी वह चलती है उसके कदमों से संगीत की स्फुटता होती है और उसकी सांसों से स्वप्न रूपी पराग भी झरने लगते हैं। आकाश के नए नए रंगों ने मानो उसके लिए रेशमी वस्त्र बुना रखा है और उसकी छाया में मलय पर्वत से निकली हुई चंदन की शीतलता प्रदान करने वाली खुशबूदार हवा पल रही है। इस तरह का वर्णन उन्होंने महादेवी वर्मा ने यहाँ पे किया है। इसमें से प्रश्न दो है, प्रश्न तीन है, कवयित्री नवजीवन का अंकुर कैसे बनकर निकल रही है। कवयित्री महादेवी वर्मा एक छायावादी कवयित्री है। उन्होंने अपनी वेदना को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है और जब उन्होंने प्रकृति के माध्यम से वेदना को व्यक्त किया है वे छायावादी कवयित्री कहलाती है। उनकी वेदना अत्यंत पवित्र एवं संयत है। इसमें एक और लौकिक प्रेम की गरिमा है तो दूसरी और जीवन के प्रति गहरी उदासीनता है। वेदना की इस प्रधानता के कारण उनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता होती है। यह कवयित्री ने यह बताया है कि मैं क्षितिज रूपी भवों पर धुए जैसे घिर हुई हूँ और मैं इसी कारण निरंतर रीति से चिंता का भार बनी हूँ। क्षितिज में जब कोई धूप सा गिर जाता है तो चिंताएं होने लगती हैं कि क्या बारिश होगी और मैं रज कणों पर जल कणों पे रूप में बरसने लगी। अंततः मेरे बरसने का कारण ही नवजीवन रूपी अंकुर फूटे निकलते हैं, अर्थात मैं नवजीवन एवं नवनिर्माण का कारण बन जाती हूँ। इसमें से प्रश्न चार है, मेरे आने से जग में सुख की सिहरन सी पैदा होती है ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है। कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य में वियोग के साथ करुण रस की भी सुंदर उद्भावना हुई है। कवयित्री ने यह सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है। उसके जीवन की सार्थकता इस बात में है कि उसे पथ को मलिन करना बिल्कुल नहीं आता, पथ को सींच कर साफ करना ही उसे आता है। और अगर पद चिन्ह पथ पद पर पद चिन्ह अंकित करना नहीं आया, मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूँ जो स्वयं दुख भरी वेदना से मेरे जीवन का हिस्सा है, तब भला मैं पद चिन्ह कैसे दे सकती हूँ। मेरा काम है बरसना और जब मैं बरसती हूँ तो पद चिन्ह मिट जाते हैं, पथ धुल जाते हैं। मेरा आने का सूचना से सुखरूप सिहरन यानी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है ऐसा कवयित्री ने कहा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। एक, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलने, पलकों में निर्जरी मचली। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से उद्धृत की गई है। कवयित्री ने इन पंक्तियों द्वारा प्रकृति के माध्यम से अपने अस्तित्व की झलक प्रस्तुत की है। व्याख्या में उन्होंने बताया है कि कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहा है। उनके काव्य में अध्यात्म के परम तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व की प्रधानता बताई गई है। महादेवी का गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहा है। पति से न पटने के कारण वह उनसे अलग रहने लगी थी। इस एकाकी जीवन ने उनसे वैराग्य और विरह की भावना भर दी थी। उनकी कविताओं में ये भावनाएं क्रमशः प्रबल होने लगी हैं। यह कवयित्री अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहती है। वह कहती है कि उसके स्पंदन यानी सांसों के अवगमन में निस्पंदता बसी हुई है, नीरवता बसी हुई है और उसके क्रंदन में अर्थात रुदन में सारा संसार हंसता है।
उसकी आँखों में मानो दीपक जल रहे हैं, परंतु आँखों से निरंतर निर्जनी बहने को मचलती है, अर्थात दुख उमड़कर आँखों से बहने को मचलता है। इसका विशेष है, इस पंक्तियों में कवयित्री की विरह भावना और वैराग्य झलकता है। घनीभूत पीड़ा आँखों के रास्ते से बह रही है। प्रश्न दो है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उम्री कल भी मिट आज चली। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ महादेवी द्वारा लिखित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से उद्धृत की गई है। अपने जीवन का परिचय इन पंक्तियों द्वारा कवयित्री ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या, कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन पूरी तरह से दुखों में व्यतीत हुआ है। उनके काव्य में जो घनीभूत पीड़ा है, दुख है, वह उनके काव्य के और प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। वह अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहते हैं। उसके जीवन का अस्तित्व ऐसा है कि उसके लिए विशाल आकाश में एक कोना भी नहीं, कोई भी ऐसा कोना नहीं जहाँ से उसे सुख की प्राप्ति हो सके। वह कहती है, मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है, सुख के लिए कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी कोने में उसे आर्द्रता प्रेम नहीं मिलता। मेरा बस यही परिचय है कि मैं आकंट दुखों में डूबी हुई हूँ। मेरा इतिहास भी यही है, मैं औरत अति या प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। इतिहास में झांक कर देखो तो हर औरत के हिस्से में दुख ही आया है। उर्मिला हो या कोई भी स्त्री जिसने अपने पति के विरह में दुख ही दुख उठाए हैं, मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूँ जो दुखों से भरी होने के कारण भी उमड़ उमड़ कर बरसती हूँ। मेरा अस्तित्व यही खत्म हो गया है। कल मैं उमड़ी थी, आज मेरा अंत हो गया है, मैं मिट चली हूँ। विशेष, महादेवी की निजी जिंदगी भी दुख भरी विरह वेदना के लिए वैराग्य की प्रकृति के माध्यम में अभिव्यक्ति पाई है, और इसी कारण महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री और बाद में वह रहस्यवादी कवयित्री कहलाती है। आगे उन्होंने कहा है कि किस तरह का जीवन उन्होंने जीना चाहिए। तो महादेवी वर्मा जी जो है वो इसी तरह है कि उनका जो जीवन है वो अतिशय दुख से भरा है। कि सबसे पहले महादेवी वर्मा की ज़िंदगी में जो जो कुछ घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने संक्षिप्त में लिखा है कि उनको उनके पति के साथ पटती नहीं थी, इसीलिए वो उनको छोड़ के अकेले रहने पर लगे, और अकेले जीवन जीना अत्यंत दुख की बात है या संकट से भरी बात है। तो उन्होंने अपने जीवन का चित्रण इस कविता में किया है। अब भी इसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन अच्छे से कीजिए। जो भी प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्नों के उत्तर आप पढ़िए, लिखिए, स्वसंदर्भ व्याख्या भी पढ़िए और आपकी हिंदी की कापी में लिखिए। धन्यवाद।